हाय गाइस, वेलकम बैक टू एच एच स्टार वर्ल्ड। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्टेशनरी कलेक्शन, जो हमने जो लाइक में रखा था NBX वाले पे। आप लोग देख सकते हैं कितने लाइक्स आ चुके हैं और लाइक आपने क्रॉस कर दिया है, सब्सक्राइबर एम भी क्रॉस कर दिया है। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको अपनी स्टेशनरी कलेक्शन, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आप लोग हमारे रूम में पहुंच चुके हैं, यानी आप लोग नहीं पहुंचे, हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी स्टडी टेबल है, ये हमारी पार्टी हो रही है। इधर नहीं, हमें जहाँ पे दिखाना है हम वही दिखाएंगे। नहीं, मुझे दिखाएंगे कहाँ दिखा रहे हैं। सही है, तो ये हमारे पास तीन ड्रॉज है। अच्छा, इसके अंदर इनकी स्टेशनरी जो हमारे कैमरा मैन है, और इसके अंदर मेरी स्टेशनरी, और नीचे हमारे बबल गम्स रखी है। सही है, तो अभी मेरी स्टेशनरी दिखाई जाएगी, अगर हो सकेगा तो हम इनकी भी, नहीं इनकी नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ मेरी दिखाई जाएगी, क्योंकि इनकी ज़्यादा स्टेशनरी है नहीं, इनको शौक नहीं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको पहले ड्रॉअर खोल के सिर्फ एक व्यू दिखाती हूँ, कितना आपको लगता है इसके अंदर कितना होगा। सही है, आप लोग देख लें कितने सारे पाउचेस भरे हुए हैं इसके अंदर। तो अभी एक एक करके हम निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो ये वाली साइड है ना, इधर ये जो इतने आए, इधर मेरे कलर पेंसिल्स, मार्कर्स और ये क्रियॉन्स और ग्लिटर स्केल डस्टर रिमूवर्स, और ये इसके अंदर मेरी कलर पेंसिल्स हैं और एक सीज़र रखी हुई है। सही है, तो फर्स्ट पाउच ये है, जो हमारी ये वाली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें अपनी चीज़ें रखती हूँ, तो ये वाला पाउच था वो। तो ये इसका डबल है, ऐसे सही है, ये ट्रू है, क्योंकि ये देखे ना, इसका डबल है। और देखे, इसका मैंने पॉपेट किचन लगाई हुई है जो स्क्वायर शेप में ऑरेंज कलर की है। सही है, तो उसको हम खोलेंगे इसके पीछे। सही है, तो ये इसके पीछे लिखा हुआ भी है कि इसका ये बच्चा पार्टी का है, और ये थोड़ा गंदा भी होगा, क्योंकि जब हम इसको ऐसे ऐसे रखते हैं ना, तो हम इसको हिलाते हैं, तो फिर वो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। सही है, तो ये देख लें, ये अंदर सिल्वर था, और ये देख लें, ये पूरा ब्लैक है इसके अंदर। बाकी में थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस वाले में ज़्यादा है, क्योंकि ये थिन है इसका, ये थिन है। इधर कलर पेंसिल रख सकते हैं, और इधर उसके अंदर ये वाले ना चार थे, इधर पांच थे, और इधर भी हम ये भी जेप वाले हैं, और इधर हम कुछ भी रख सकते हैं। सही है, और ये एक सीक्वेंस पाउच है, बताऊँ कैसे। सही है, तो ये सीक्वेंस पाउच है, इसको हम साइड में रखते हैं। और अच्छा, ये तो सिंपल सा पाउच है, ये स्कूल वालों के पास तरफ से जो मिलता है। अच्छा, एक ये पाउच है मेरे पास, इसके ऊपर किड साइजेस लिखा हुआ है, ये मैं कहीं गई थी वहाँ से लाई हूँ, जिराफ बना हुआ है इसके ऊपर। सही है, इसके अंदर दो जिप हैं, ये देख लें, ये फर्स्ट जिप है, देखिए गंदा हो गया है पूरा, क्योंकि जो हम शॉपनर रखते हैं ना इसके अंदर, तो शॉपनर कचरा गिर जाता है कभी कभार। और ये एक जिप है, तो लाइक आप पीछे अपने कलर पेंसिल्स और आगे आपकी अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं। और नेक्स्ट पाउच हमारा जो थर्ड पाउच है, वो भी सीक्वेंस पाउच है, ये सिल्वर और गोल्डन के सीक्वेंस पे, और ये वाला था ग्रीन एंड पिंक के सीक्वेंस पे। तो इसकी सिर्फ वन जिप है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं, क्या कर रहे हैं कैमरामैन। सही है, तो ये भी अच्छा है, ऐसे इसको वैसे कह सकते हैं, अगर ये ब्लैक एंड वाइट होता, ज़ेब्रा पाउच, वाओ। ठीक है, तो एक ये गया। अच्छा, अब आप लोग को ये पाउच देख के भूख लग जाएगी, क्योंकि ये है मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज नहीं है, ये एक पाउच है। लेकिन इसमें ना इन्होंने एक गलती की है, मैकडोनल्ड्स का M उन्होंने W लिख दिया, अगर हम ऐसे देखें, हाँ फिर भी सही है। तो उधर लिखा हुआ है 23 ग्राम्स नेट कॉन्टेंट, यानी पूरे फ्राइज के शेप पे बना हुआ है ये। इसके पीछे इसकी जिप है येलो कलर की, और ये देख लें, ये भी कितना गंदा हो रहा है अभी, क्योंकि इसके अंदर मेरा शॉपनर लीक हो गया था। म्यूजिक, कोई बात नहीं, अगर इसको मैं जब वॉश करना चाहती हूँ ना, तो वो वॉश भी नहीं होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप लोग कमेंट्स में लिखे, अगर कुछ हो सकता है इसका। अच्छा, ये वो निकल गया, स्टेपलर का हटाने वाला ना। अच्छा, एक ये जब मैं ये वाला एक पाउच है फ्रोजन और एल्सा का मेरे पास। अच्छा, ये पासवर्ड वाला पाउच है, इसके अंदर पासवर्ड है 12, जो ऑटोमेटिकली डला हुआ था ना, वही है, पासवर्ड गलत हो गया शायद, एक है चेक करने दें।
तो गाइस इसके पास में बंटू ही था, इन कैमरामैन ने मुझे कंफ्यूज किया, मैं थोड़ा इसको ना हल्का हल्का कर रही थी, तो इसको ना थोड़ा जान से करना होता है हिंदी। और इसके अंदर खुल गया, मेरी थोड़ी थोड़ी कलर पेंसिल्स रखी हुई, ओह ये तो मैंने दिनों से ढूंढ रही थी, अभी मिल गई। ठीक है, तो ये रखी हुई है इधर, और इसके अंदर ये 5 है, और इधर आप अपना टाइम टेबल रख सकते हैं छोटा सा ना। अच्छा सही है, और ये इधर पैसे शॉप होती है, और इधर से आप अपना कचरा निकाल सकते हैं ट्रैश। सही है, और ये उसकी बैक साइड है। लेकिन ऐसे पाउचेस में ना हमारी कैपेसिटी बहुत कम आती है, क्योंकि ये होते इतने बड़े मोटे हैं, लेकिन इसके अंदर जो होता है ना, जो साइज दिया जाता है वो बहुत कम होता है। अच्छा एक ये है, म्याऊ म्याऊ। अच्छा सही है, एक ये पाउच है, इसके अंदर मैंने डीज वगैरह रखे हुए हैं जो इंग्लिश के काम आते हैं, और इधर पीछे कुछ भी रख सकते हैं आप, और इधर शॉपनर का। सही है, जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर ही यूज, जैसे अलग है। नहीं नहीं अलग अलग डिज़ाइन अलग। सही है, तो ये हेलो किटी वाला पाउच है, और ये देख ले पाँच। हाँ, और इसका यहाँ से खुलता है, खुल नहीं रहा, इसका बहुत मुश्किल से खुलता है, इसका छोड़ देते हैं कि बहुत मुश्किल से खुलता है, और पीछे भी इतनी इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। सही है, तो एक हो गया, और ये एक मैं जीती थी एक कॉन्टेस्ट पे, ये तो ऐसे सिंपल है पाउच है, ये जिप वाला है, इसमें दो पार्टीशन है, इसको भी साइड में रखते हैं। कैमरा मैन अब वीडियो लंबी कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये भी फ्रोजन और एल्सा वाला है, ये सिंपल सा है, बड़ा सा पाउच है। सही है, और ये एक बच्चा पार्टी का पाउच है, फ्री में लगा नहीं। हाँ ये जो कार्ड बनवाते हैं ना, तो शायद उस पर मिलता है। और इधर तीन ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ये सामान मिलता है। हाँ एक रेजर मिला था, एक स्केल मिला था, एक शॉर्पनर मिला था, एक पेंसिल मिली थी। हाँ आप अंदर ना घुसे बाहर जाए। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट पाउच है। सही है, इसमें मेरी तस्वीर बनी हुई है, मैं लगा रही थी ऐसी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये देख लें, इधर आप कुछ रेजर रख सकते हैं, इस वाले बटन से ही खुलता है नहीं, और इस वाले से शॉपनर खुलता है नहीं। मैंने इसलिए आराम से खोला क्योंकि सारा ट्रैश वगैरह मेरे पर आ जाता। सही है, और इसको मैंने बटरफ्लाई लगाई हुई है इधर, और इधर भी एक वो होता है इसका ना, इसके ऊपर वाला, तो वो मैंने तोड़ दिया था, वो ऐसे ऐसे खुलता है, और ये ऐसे स्केल निकलते हैं, और ये आप इधर कोई भी अपनी तीन पर पेंसिल नहीं होती, रेड ग्रीन और ब्लू वो रख सकते हैं, इधर मेरा नाम लिखा हुआ है, और इधर मैं कलर पेंसिल रखती हूँ, और इधर इसका एक साथ रेजर। सही है, तो ये भी बड़ा अच्छा पाउच है फिलहाल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। सही है, और ये एक गंदा सा पाउच है, फ्रोजन वाला स्किन है, ये निकलना शुरू हो गया, इसलिए अब मैं इसको यूज़ नहीं करती। इसके अंदर भी दो जिप हैं, डाइस मिल गया मुझे, ये दूसरी जिप है, वो मैं डस्टर रखा हुआ। सही है, और ये दोनों तो ऐसे पाउच है सिंपल से, इधर रख देते हैं, और ये एक पर्पल कलर का पाउच है, ये बहुत अच्छा पाउच है, ये देख लें, बेस्ट विशेज फॉर यू। ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसमें भी 5 है। सही है, ये भी थोड़ा गंदा हो गया, क्योंकि जो शॉपनर्स है ना उसकी वजह से ही गंदा हो जाता है, और इसके अंदर ना अलग से भी शॉपनर है, ये देख लें, ये इधर रखा हुआ था, आप इसको ना ऐसे ऐसे खोल के शॉप कर सकते हैं, और आप लोग कहेंगे शॉप कैसे होते हैं, ये इधर से शॉप होते हैं। सही है, इधर से ये बंद हो जाते हैं, और इधर से ये खुलता है, तो ऐसे ही शॉप होते हैं। अब मैं पीछे जाती हूँ, पीछे मैं रखती हूँ कलर्स, इधर के अंदर मैंने पेंसिल निशान मार दिए, ये देख लें। सही है, इधर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, तो आगे चलते हैं, मेरे पाउचेस गिरने वाले थे। तो सही है, ये हमारा लास्ट पाउच है, नहीं अभी दो और रखे हैं मेरे पास। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया आज तक कि ये किस चीज़, अच्छा याद आ गया किस चीज़ के लिए, देखें ये बहुत अच्छा पाउच है, इस बटन को दबाएंगे ये वाला खुला हो जाएगा। सही है, तो ये बहुत अच्छा पाउच है, और ये शॉप होते हैं, इधर से इसका ट्रैश निकलता है, इसका भी वैसे ही वाला है, ये एक जैसे कंपास नहीं होता उस टाइप का, लिखी हुई तो नहीं है डायरेक्शन, लेकिन फिर भी ये खुद ही घूमता है, शायद नहीं घूमता। अच्छा ओके, और इधर आप कलर पेंसिल्स रख सकते हैं, और इधर कुछ भी रख सकते हैं। सही है, तो गाइस अब मेरा एक ये NBX वाला पाउच रह गया था,
तो आपको पता है कि कितने व्यूज असल में बताओ क्यों व्यूज गेन हुआ, क्योंकि हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी उसमें तो दिया ही नहीं था। अच्छा, ये एक बड़ी जिप वाला पाउच है, ब्लू कलर का, बड़ी जिप वाला, सही है। तो इसके अंदर मैंने अपने क्लेज रखे हुए हैं, ओके। तो ऐसा मेरे भाई के पास भी, वो ऑरेंज कलर का है, सही है, ये वाला मेरा है फिलहाल। तो अब आप लोग कह रहे होंगे स्टेशनरी कलेक्शन में तो हर चीज़ आती है, सही है। अब मैंने तो इतने पाउच दिखाए और आपके लिए 10 मिनट से ऊपर भी की वीडियो हो चुकी है, सही है। तो अब मैं इसकी जो पेंसिल्स होती हैं, इरेजर्स होते हैं, शार्पनर्स होते हैं, पेंस होते हैं और वगैरह वगैरह कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी।